दोस्तों ये जो ब्रीड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाई, इस ब्रीड के बारे में कौन नहीं जानता। आजकल इस ब्रीड का बहुत ज्यादा क्रेज हो रखा है क्योंकि भाई ये ब्रीड बहुत ही फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत ही मस्कुलर भी दिखते हैं एंड साथ में ये दिखने में काफी डेंजरस भी लगते हैं, जिसका नाम है अमेरिकन बुली। तो गाइस अमेरिकन बुली में बहुत सारे साइजेस और बहुत सारे कलर्स भी मिल जाते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट ये डॉग ब्रीड पूरी कर देती है। अगर आप लोगों को छोटे अमेरिकन बुली चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं और थोड़े से बड़े चाहिए तो वो भी। वैसे अभी रिसेंटली मैंने भी कुछ अल्टीमेट क्वालिटी के पपीज की वीडियो डाली, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी ना तो ये वीडियो भी आप लोग जरूर देखें भाई, बहुत तगड़ी क्वालिटी के पपीज है। तो वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो गाइस पपीज जो ना ये आप लोगों को ग्रे एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर में मिल जाएंगे और सभी का कलर भाई मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आया। बाकी दोस्तों जब किसी ओनर के पास इतने सारे पपीज होते हैं ना तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड यही करता हूं कि जितना पॉसिबल हो सके डायरेक्ट ओनर को विजिट करें, क्योंकि डायरेक्ट जाओगे ना तो कलर और क्वालिटी दोनों को अच्छे से देखभाल करके पपीज को परचेज कर लाओ। एंड ओनर का ये चीज तो स्पेशली कहना कि अगर आप लोग घर पर आओगे ना तो आप लोगों को कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मंजी क्वालिटी और कलर तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन यार पपीज का साइज क्या है। तो इस पपीज जो है ना ये पॉकेट साइज में, आप लोग तो जानते हैं कि पॉकेट साइज कितना फेमस है, जिन्हें आप लोग फ्लैट्स में भी रख सकते हो या फिर अपने फार्म हाउस वगैरह में भी। एंड गाइस इस ब्रीड को आप लोग एज ए फैमिली डॉग ब्रीड ही कंसीडर करें, क्योंकि भाई ये इतने अच्छे गार्ड डॉग्स तो नहीं होते बट फिर भी काफी लोग इन्हें एज ए गार्ड डॉग ब्रीड भी परचेज करते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को इन्हें अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। एंड पपीज जो ना ये होम ब्रीडिंग के हैं, तो पपीज के साथ में आप लोग इनकी मदर को देख ही रहे हो, तो जब आप लोग डायरेक्ट जाओगे तो मदर के पास से पपीज उठा सकते हो। वैसे काफी लोग इस चीज को लेकर भी डरते हैं कि भाई अमेरिकन बुली और पिटबुल ऑलमोस्ट सेम दिखने वाली डॉग ब्रीड है तो भाई ये भी काफी अग्रेसिव होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अमेरिकन बुली का जो टेम्परामेंट होता है ना वो पिटबुल से टोटली अलग है। एंड गाइस इस ब्रीड की सबसे खास बात यह है कि ऑलमोस्ट नॉन हेयरी डॉग ब्रीड है, तो गर्मियों में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ना ही आप लोगों को ज्यादा ब्रशिंग वगैरह करनी और ना ही इनके कोट को मेंटेन रखने की कोई दिक्कत। एनीवेज पपीज के साथ एक बार मैं आप लोगों को इनके फादर से भी मिलवा देता हूं। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर हैं, भाई कितनी तगड़ी क्वालिटी के हैं। बाकी इसके और फोटो वीडियोस आप लोग डॉग ओनर से पर्सनली कांटेक्ट करके ले सकते हैं। एंड ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मदर है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूं, तो दोनों की क्वालिटी एक्सीलेंट है, तो पपीज की क्वालिटी में आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है इनके प्राइस की कि भाई प्राइस आप लोगों को कितना पसंद आता है, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि पपीज जो ना ये 38 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो डिलीवरी को लेकर तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि अगर पॉसिबल हो ना तो ओनर को विजिट करके परचेज करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ओनर के पास टोटल 7 पपीज हैं, जिसमें से 5 मेल्स और 2 फीमेल्स हैं। या फिर अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो ओनर आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये कितना होता है ये डिपेंड करता है आप लोगों की लोकेशन के ऊपर। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 13,500 रुपीज, 13,500 रुपए एंड फीमेल की 11,500 रुपीज, यानी 11,500 रुपए। बाकी प्राइस में बार्गेनिंग कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो भी लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।